हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षकों के तबादलों पर पंचायत चुनाव का ग्रहण, अरसे से अंतर जिला तबादले का सपना संजोए नियोजित शिक्षकों के अरमानों को झटका लग सकता है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद तबादलों पर रोक लग जाएगी। आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसमें 3 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश भेजे हैं। इसमें तबादले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। बता दें कि सरकार ने शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले का अप्रैल मई में भरोसा दे रखा है। इसी लिहाज से वर्षों से दूसरे जिलों में पद स्थापित शिक्षकों और उनके परिवार वालों को घर वापसी का इंतजार है। अहम यह है कि पंचायत चुनाव के ऐलान में विलम्ब होने ऐसे शिक्षकों और उनके परिवार वालों की बेचैनी बढ़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षक और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादले का लाभ मिलेगा, वही पुरुष शिक्षकों के लिए रिक्तियों के आधार पर म्यूचुअल आपसी सहमति अंतर जिला तबादले की योजना है। मतलब एक उस जिले से ढूंढ के लाना होगा और तब आप यहाँ से जा सकेंगे, ऐसा है। मतलब जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए अधिक उम्र वालों को बाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। सरकार तबादले में आयु को प्राथमिकता का आधार बनाएगी। अधिक उम्र में शिक्षकों को कम उम्र के शिक्षकों की तुलना में पहले तबादले का लाभ देने का प्रस्ताव है। सॉफ्टवेयर इस तरह काम करेगा कि किस जिले के किस स्कूल में शिक्षक के पद रिक्त है, यह जानकारी जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें आचार संहिता लगने की वजह से इनके तबादले पर चुनाव का ग्रहण लग सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड सारे न्यूज़ को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।